हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। तो फिलहाल मैं हूं अभी बांदीकुई जंक्शन पे और यहां से आज एक स्पेशल ट्रेन जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडियन रेलवे में कि एक नए तरीके का जो थर्ड एसी जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये है थर्ड एसी इकॉनमी क्लास, जिसको आज मैं रिव्यू करने वाला देखने वाला हूँ कि वो होती कैसी है। और पहली बार ये कोच जो है वो प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में जो है लगाया गया है। फिलहाल बस ट्रेन आने वाली है और एक्साइटेड हूँ देखने के लिए मैं कि जो थर्ड एसी इकॉनमी क्लास है वो कैसा होता है। चलिए अराइवल पहले लेते हैं और उसके बाद आपको जो इंटीरियर है इस नए कोच का वो दिखाता हूँ। तो ये आ चुकी है हमारी प्रयागराज जयपुर और इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड था मैं। काफ़ी नए रेक्स हैं और मुझे इंतज़ार है अपने कोच का और उसका वो नए थर्ड एसी का। और ये रहा वो कोच जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, M1। चलिए जल्दी से बोर्ड होते हैं और आपको इंटीरियर जो है वो दिखाते हैं फटाफट। तो फिलहाल अंदर आ चुके हैं और वेलकम करने के लिए बहुत लोग थे। द कंट्री साइड गाय, हाय यार, लव यू भाई, लव यू। ये भी देख के आपको बोल रहा, जो तसल्ली इनको देख के बहुत बहुत खुशी हुई देख करके। गरीबत की आदत। पर इंटीरियर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन। तो ये रहा फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा इस नए थर्ड एसी कोच में, इकोनॉमी कोच में। और फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक प्रीमियम से फीलिंग आ रही है, भले ही ये इकोनॉमी क्लास है। पर तो बात करें इस नए थर्ड इकोनॉमी कोच की, तो उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो चार्जिंग सॉकेट्स है वो सभी के लिए, सभी के सीट्स पे हैं। ऊपर आप देखो तो USB चार्जिंग सॉकेट्स वो भी दिए हुए वहाँ पे, और ये हर सीट पे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ रीडिंग लाइट्स जो हैं वो आपको हर सीट पर देखने को मिलती है, और बॉटल होल्डर जो है वो आपको देखने को मिलेगा सभी सीट के पास में। कि अगर बात करें तो यहाँ पे मेनली जो बेडिंग्स है ना वो रखी जाती हैं, तो इसमें कुछ सुधार किया गया, यहाँ पे ग्लास जो है वो लगाया गया। तो ये तो तब काम आएगा जब ट्रेन में कंबल और चादर जो है मिलना शुरू होंगी, तो ये उसके लिए है। फिलहाल ये चढ़ने के लिए जो फुटरेस दिया हुआ ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, तो ऐसे में दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस तय की अभी तक, वो सारी चीज़ें। और ऊपर टॉयलेट की जो ऑक्यूपेंसी वो भी आप देख सकते हो कि कौन सा टॉयलेट खाली है, बाकी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। और कर्टन्स की बात करें तो कुछ ऐसा आपको मिलता है, ये तो नॉर्मली अब हर नए रेक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे कम से कम जो धूप है वो नहीं आपको देखने को मिलेगी, धूप आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन जब भी मौसम बढ़िया हो, बारिश वाला मौसम हो, तो फिर जाहिर तौर पे आपको उसको हटाना ही पड़ेगा। खैर, बाकी कोच में आपको स्मोक डिटेक्टर जो है वो मिल जाते हैं, तो उसमें आप स्मोकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ जो स्पीकर्स हैं वो दिए गए हैं, तो मतलब ये है कि आप सुन सकते हो कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, कितनी दूरी पर, वो आपकी सीट तक सुनाई देगा आपको। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन में, वो ये कि आपको हर सीट पे जो AC वेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, और वाकई ये काम कर रहा है। मतलब अगर आप मिडिल बर्थ पे भी हो तो आप आराम से, आपको ठंडी हवा है वो यहाँ मिलेगी, लोअर बर्थ पे हो तो भी वैसे ही आपको, और अपर पे भी सेम जो वेंट्स हैं वो दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और बॉटल होल्डर्स जो कि मैंने को बताया था हर सीट पर मिल जाती है। खैर, ये तो बात हुई ट्रेन के इंटीरियर की, अब आइए थोड़ा आपको दिखाते हैं कि ट्रेन का वॉशरूम कैसा है, क्योंकि बहुत लोगों ने तारीफ़ की कि ट्रेन का वॉशरूम काफ़ी बढ़िया है। और एक चीज़ और है, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप वॉश मशीन में हाथ धोने आते हो तो आपको हाथ लगाने पड़ते हैं, और कोविड को ध्यान में रखते हुए कई लोग तो कतराते भी हैं, पर ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है कि अब जो है अपने पैरों से, ये देखिए आप, मतलब आपको हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पैरों से इसे प्रेस करके पानी जो है वो निकाल सकते हैं ऐसे। खैर, पानी की बर्बादी नहीं करते, तो आपने देख लिया कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। ये भैया कितना अच्छा लग रहा है ऐसे, मतलब हाथ नहीं लगाना पड़ रहा आपको, अच्छा लग रहा है ना ये, मतलब कोविड का भी सीन है तो कई लोग कतराते हैं कि भैया हाथ लगाएं लगाएं उसको, लेकिन अब तो आप पैर से उसको प्रेस करके आप आराम से पानी निकाल सकते हैं बिना हाथ लगाए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिलहाल चलिए वॉशरूम जो है वो दिखाते हैं, कई लोगों ने बहुत तारीफ़ की इसकी। तो ये नॉर्मल इंडियन टॉयलेट है,
और इंटीरियर कुछ ऐसा है इसका, कुछ इस तरीके का वॉशरूम है। आप यहाँ पे अपना सोप या कुछ भी यूज़ करते हो तो रख सकते हो, यहाँ पे फ़ोन भी रख सकते हो एग्जैक्टली। और यहाँ भी सेम चीज़ है, मतलब यहाँ प्रेस करके आप वाटर जो है वो डिस्पेंस कर सकते हो। तो ये मेरे को बहुत यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा इस कोच का। तो चलिए, आपको इंटीरियर तो मैंने दिखाई दिया, बाकी जो पैसेंजर का एक्सपीरियंस है वो पूछते हैं। दोस्त लोग सफ़र कर रहे हैं, आप से बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इस ट्रेन का, सबसे अच्छा मतलब इस कोच का क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छा हमें टॉयलेट लगे। टॉयलेट लगे? हाँ, क्यों सर, क्यों अच्छे लगे? टॉयलेट इसलिए अच्छे लगे कि हम तो अभी जिस एज में हैं, हम गाड़ी दौड़ के भी पकड़ सकते हैं, आहिस्ता भी पकड़ सकते हैं, पर जो एज लोग हैं ओवर 50, 55, 60, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उनके लिए चेयर का स्पेस दिया गया है, टॉयलेट में अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, तो देयर आर एसी वेंट्स गिवन एवरी बर्थ। ठीक है, तो क्या है, अपनी मर्जी से एसी वेंट बंद कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ। सकते हैं। फोन वगैरह को चार्ज के लिए रखना है तो जो ग्लास शील्ड दे रखी है, तो चार्जिंग की समस्या सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये इनके, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनके लिए। हमारे साथ एजाज भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं। भैया, आप भी एंड जर्नी की हो, आपको एक चीज़ सबसे अच्छी क्या लगी? सबसे बढ़िया तो मुझे पहले टॉयलेट लगा, और जो बाहर बेसिन है, कोविड को देखते हुए जो पैर से पुश करने का दिया हुआ है पानी निकलने का, वो बहुत बढ़िया दिया गया। और अगर हम हमारी साइड लो सीट है तो हमें एसी की हवा डायरेक्ट नहीं आती, उसके लिए हमें यहाँ दिया गया है। बिल्कुल, एसी विंड दिए हुए, तो एसी विंड दिए हुए तो यहाँ पे हवा हमें बड़ी अच्छी आएगी। तो आजाद भाई को ये चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब सबकी अपनी अलग अलग जो प्रेफरेंस है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आई है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे भी ये नया रेक जो है काफ़ी अच्छा लगा। कहने को ये इकोनॉमी थर्ड क्लास है, थर्ड एसी है, लेकिन बहुत ही प्रीमियम फील आ रही है इसमें बैठने के बाद, है ना भैया? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर रेलवेज ऐसे ही कोचेस का और निर्माण करती और कोचेस लगाती है, तो जाहिर तौर पे ज़्यादा पैसेंजर जो है वो एकोमोडेट होंगे, और साथ ही साथ पैसेंजर एक्सपीरियंस जो है, पैसेंजर कम्फर्ट जो है वो और अच्छा होने वाला है। और एक और चीज़ मुझे अच्छी ये लगी कि यहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को यहाँ रख भी सकते हो, मतलब फ़ोन को यहाँ पे आप ऐसे रख भी सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ रहेगा। तो ये भी हर छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो ध्यान यहाँ पे रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक और चीज़ है, ऊपर LED लाइट जो है वो दी गई हैं, और थोड़ी सी ये लंबी, मतलब इनका देखा है लेंथ काफ़ी लंबा है और जल जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लग रही है मेरे को, काफ़ी रोशनी इससे मिलने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ भी लाइट जो है वो दिए हुए हैं, तो रोशनी भरपूर रहेगी इस कोच में। तो सामने नॉर्मल थर्ड एसी और ये इकॉनमी थर्ड एसी, तो डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया, कितना मतलब यूनिक चीज़ है ना, मतलब कि सामने भी थर्ड एसी का डब्बा बिल्कुल हमारे पैरेलल में चल रहा है और यहाँ भी थर्ड एसी। बाकी बात करें फेयर की, तो ऐसा हुआ था कि नॉर्मल स्लीपर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा और थर्ड एसी के मुकाबले थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जो इसकी कॉस्ट है ना, टिकट कॉस्ट है, वो बहुत अंतर नहीं है थर्ड एसी और इस इकॉनमी क्लास में, करीब 81 रुपीज़ का अंतर है एंड टू एंड अगर आप जर्नी कर रहे हो तो। और बाकी अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस कर रहे हो ना, तो जो इसका फेयर है वो नॉर्मल थर्ड एसी का फेयर है, तो कोई उसमें फेयर में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, बहुत बदलाव नहीं हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से फेयर जो नहीं है। बाकी आप लोग का क्या इसके बारे में ओपिनियन है, आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा। इसमें जर्नी में करने वाला हूँ एंड टू एंड, तो वो जर्नी भी आपको कल देखने को मिलेगी, फिलहाल ये फर्स्ट इंप्रेशन था। और चलिए, मिलते हैं आपसे सीधा इसके फुल जर्नी में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।